हेलो दोस्तों, विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हरिशंकर प्रसाद आप लोगों के बीच में बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित यूपी टेट एवं सी टेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, पाठ्यक्रम संबंधित जो भी चैप्टर हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा जो है मनोविज्ञान से संबंधित प्रथम क्लास है, जिसको आप लोग देखें और देखने के बाद अपना रिएक्ट लाइक शेयर और कमेंट के रूप में और सब्सक्राइब के रूप में जो है भेजें, ताकि जो है ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच में इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मनोविज्ञान जैसे हर एक विषय की एक अपनी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसे मनोविज्ञान आज हम लोग जिस रूप में पढ़ रहे हैं, सी टेट और यूपी टेट के लिए जो है इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोगों के सी टेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, वो सभी टॉपिक जो है आप लोगों के बीच में क्रम के अनुसार प्रेषित किए जाएंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस विषय को आप लोग जो है अपने हिसाब से पढ़ने का प्रयास करें, और हम लोगों का मोटिवेशन आप लोगों के साथ रहेगा। जैसे मनोविज्ञान है, इसको इंग्लिश में जो है साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश का साइकोलॉजी शब्द ही हिंदी में रूपांतरित होकर के मनोविज्ञान के रूप में स्पष्ट होता है, उसका हिंदी रूपांतरण जो है मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित होता है। सबसे पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्रम, जैसे कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो चाहे समाजशास्त्र हो, किसी न किसी चरण से होकर के ही आज के स्टेप में पहुंचा है। जैसे हिंदी की जननी जो है संस्कृत को माना जाता है, उसी तरह से जो है समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में स्थापना अगस्त कामटे के द्वारा किया गया था, और इस विषय के स्थापित होने में इतिहास और राजनीति शास्त्र का विशेष योगदान माना जाता है। अगर हम मनोविज्ञान का हिंदी शाब्दिक आधार पर संधि विच्छेद यदि करके देखें, तो इसको जो है मनाधन विज्ञान के रूप में संधि विच्छेद होगा, और संधि विच्छेद के आधार पर यदि इसकी व्याख्या करें तो एक अर्थ निकल करके आता है। क्या मन का विज्ञान लेकिन यहां जो है शुरुआत इसकी कहां से हुई और एक विषय के रूप में कैसे कैसे ये अपने विकास के चरण को जो है
आगे की तरफ जो है गतिशील होकर के आज हमारे बीच में प्रतिस्थापित है। इसी पे चर्चा जो है आज हम लोग करेंगे। और सबसे पहला ध्यान आप लोग देने का प्रयास करिएगा कि मनोविज्ञान जो आज के डेट में 20वीं और 21वीं सदी में जो हम लोगों के बीच में स्थापित है, इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। इस सफ़र के क्रम को हम लोग जो है क्रम वाइज तरीके से जो है जानने का प्रयास करेंगे। और जो है इसके बारे में जो विचारक या मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक जो अपने अपने व्यू या विचार दिए हैं, उनको क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जो विषय पढ़ने के लिए एकत्रित होंगे या आप लोगों के मन में जो भी शंकाएँ होंगी, उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से हम लोगों के बीच में प्रेषित करते रहिएगा, ताकि हम लोग अपने शिक्षण शैली में सुधार करके सही से सही चीज़ों को आप लोगों के बीच में ला सकें। यहाँ जो है सबसे पहला क्रम मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले जो है आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है। तो जननी किसे कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को, दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। सबसे पहले जो है पश्चिमी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, या उसको वेस्टर्न फिलॉसफी बोलते हैं, और पश्चिमी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई। और सबसे पहला जो प्रथम प्रयास किया गया वो जो है अरस्तु के द्वारा किया गया था। और अरस्तु के द्वारा जो है ये प्रयास इसलिए किया गया कि जिस समय मनोविज्ञान एक विषय के रूप में नहीं था, उस समय जो है दर्शन शास्त्र जो है पश्चिमी क्षेत्रों में या पश्चिमी देशों में जो है एक विषय के रूप में जो है सबसे ज़्यादा सफल विषय माना जाता था। और उस विषय के अंतर्गत कुछ चीज़ों का अध्ययन किया जाता था, जिसमें आत्मा था, परमात्मा था और ब्रह्म था। और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा में मिलन कैसे होता है, ब्रह्म क्या है, इन सारी चीज़ों पर अध्ययन जो है किया जाता था। लेकिन एक ज़रूरत महसूस हुई अरस्तु के द्वारा, और अरस्तु ने जो है इस चीज़ को कहा कि आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, ये तीनों चीज़ें जो है अमूर्त हैं, और अमूर्त चीज़ों के आधार पर हम जो है व्यक्ति या प्राणियों का अध्ययन सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक ऐसे विषय की ज़रूरत है जो मानव को समझ सके, और मानव को समझने के लिए ही दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक शाखा बनी। और उस शाखा के अंतर्गत अरस्तु ने जो है एक मनोविज्ञान की पहली शाखा जो बनी अरस्तु के द्वारा, उसे कहा गया आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। देखिए आत्मा का विज्ञान किसके अंतर्गत था, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था। अभी जो है मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो है हम लोगों के बीच में स्थापित नहीं हुआ था। और अरस्तु ने यह प्रयास किया कि नहीं, जो है कम से कम मानव का अध्ययन करने के लिए एक ऐसा विषय होना चाहिए जो व्यक्ति के जो है मनोदशा को या उसके डेवलपमेंट को या उसके विकास को या मानव के किसी भी प्रकार के पहलू को समझने के लिए सबसे पहला जो अपना व्यू या विचार दिया था, वो कहा था कि जो है जब तक हम मानव को समझेंगे नहीं, तब तक जो है हम मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा के विज्ञान का जो प्रणेता माना जाता है, वो माना जाता है किसको, अरस्तु को। और अरस्तु के समर्थन में जो है कुछ नाम आए, जिसमें नाम आता है किसका, प्लेटो का,
दूसरा नाम आता है रुडोल्फ गोएकिल का, और जो है नाम आता है गैरिट का, और एक नाम आता है डेकार्टे का। ये मनोवैज्ञानिक उस समय मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं थे, ये सभी लोग जो है एक दार्शनिक के रूप में जो है शिक्षा जगत में अपने आप को प्रतिस्थापित कर चुके थे। सबसे पहली बात ये थी कि अरस्तु के सहयोग से जो है मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में तो स्वतंत्र विषय के रूप में तो सत्ता नहीं प्राप्त हुई, लेकिन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य या प्राणियों को समझने के लिए आत्मा के विज्ञान का विकास हुआ, और आत्मा के विकास के अंतर्गत अरस्तु ने बताया कि मानव शरीर में किसी भी ज्ञान को या किसी भी चीज को हम पहला प्रयास या पहली सीख किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, तो इन्होंने जो है अपना एक व्यू दिया या अपना विचार दिया, इंद्रिय, और इंद्रियों के आधार पे इन्होंने बताया कि जो है मानव शरीर में जो है पांच इंद्रियां कार्य करती हैं। पहला बताया क्या, आँख, फिर उसके बाद नाक, उसके बाद कान, उसके बाद जीभ, उसके बाद त्वचा। ये पांच इंद्रियां जो हैं सबसे पहले जो है किसी भी विषय बिंदु का जो है संप्रत्यय हमारे शरीर के अंतर्गत जो है कराती हैं। सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है वो किससे होता है, इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों के आधार पर इन्होंने जो है आत्मा के विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया, और इन्होंने बताया कि जो है अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी चीज़ें हम प्रथम कॉन्सेप्ट में एब्जॉर्ब करते हैं, ये सभी इंद्रियां जो है हमारे ज्ञान को या हमारे प्रत्यय को कहाँ लेकर के जाती हैं, आत्मा तक। कहाँ तक, आत्मा तक लेकर के जाती हैं, और आत्मा के द्वारा ही हम जो है व्यक्ति को समझ सकते हैं। इन्होंने जो चीज़ बताई उसी का समर्थन जो है अरस्तु के द्वारा किया गया, प्लेटो के द्वारा किया गया, रुडोल्फ गोएकी के द्वारा किया गया, गैरिट के द्वारा किया गया, और डेकार्टे के द्वारा किया गया। कुछ चीज़ें यहाँ आपको समझ लेनी चाहिए कि मनोविज्ञान का सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया था इतिहास में, सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो सबसे पहला वर्गीकरण जो है किया गया था गैरिट के द्वारा, और गैरिट ने जो है मनोविज्ञान को शाब्दिक अर्थों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया था, और जो है दो भाग वो क्या थे, पहला भाग इन्होंने बताया साइकी, और दूसरा इन्होंने वर्गीकरण किया लोगस। देखिए जो गैरिट के द्वारा वर्गीकरण किया गया था शाब्दिक आधार पर मनोविज्ञान का, जिसको साइकोलॉजी, तो पहला शब्द साइकी बना और दूसरा शब्द क्या बना, लोगस बना। गैरिट ने जो है शाब्दिक अर्थों के आधार पर साइकी का जो अर्थ बताया उसे क्या बताया, आत्मा। क्या बताया, आत्मा। और जो है लोगस का अर्थ क्या बताया, अध्ययन, मतलब वह विज्ञान या वह शास्त्र जिसके अंतर्गत
हम आत्मा का अध्ययन करते हैं उसी को गैरेट ने क्या कहा था, आत्मा का विज्ञान, या जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत माना। दूसरी बात कि अरस्तु ने जो है इस चीज को अपने अंतर्गत दर्शन शास्त्र के अंतर्गत उसी चीज को परिभाषित किया था कि जो है जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम किसी भी प्राणी या मनुष्य को या मानव को समझ नहीं सकते हैं। यहाँ जो है शाब्दिक अर्थ के आधार पे एक क्वेश्चन बनेगा कि जो है मनोविज्ञान का प्रथम वर्गीकरण, प्रथम शाब्दिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो नाम आएगा क्या, गैरिट। इसको आप लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर नोट कर लीजिएगा कि कैसे जो है हमको नोट करना है। दूसरा एक नाम आता है रुडोल्फ गोएकिल का, इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था रुडोल्फ गोएकिल, जो आत्मा के विज्ञान के समर्थक माने जाते थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो 1590 ईस्वी में लिखा गया था इनके द्वारा, और उसका नाम क्या था, साइको लाजिया। और इस पुस्तक को जो है मनोविज्ञान के विषय के रूप में, मनोविज्ञान की सबसे प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि मनोविज्ञान 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 की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया, इसको जो है मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको मिल सकता है और इस चीज़ को जानने का प्रयास करिएगा कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, रुडोल्फ गोएकिल के द्वारा सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रयोग किया गया था। देखिए 1590 ईस्वी में जो रुडोल्फ गोएकिल के द्वारा जो इनकी पुस्तक आई साइकोलॉजिया, इसके आधार पे जो है एक चीज़ और सामने आई कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रुडोल्फ गोएकिल के द्वारा किया गया था। और रुडोल्फ गोएकिल के अनुसार जो है ये बताया भी गया कि नहीं जो है इस विषय के अंतर्गत मनोविज्ञान एक विषय के रूप में स्वतंत्र नहीं हो सका है, लेकिन एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि सबसे पहला जो प्रयास अरस्तु के द्वारा किया गया था उसमें एक चीज़ आपको जुड़ गई कि एक शब्द हमारे और आपके बीच में आया, साइकोलॉजिया।
और साइकोलॉजिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो नाम आता है रुडोल्फ गोल्डकिल का। दूसरा एक नाम आता है डेकार्टे का। डेकार्टे ने भी इस चीज़ को बताने का प्रयास किया कि जो है आत्मा को समझे बिना हम किसी भी मानवीय व्यवस्था को या मानवीय क्रिया को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए जो है आत्मा ही जो है मानव के समझने का एक मार्ग है। और इन्होंने यहाँ तक कहा था कि आत्मा ही खून है और खून ही क्या है, आत्मा। लेकिन धीरे धीरे ये अवधारणा जो है आपकी जो आत्मा का विज्ञान है इसका जो संप्रत्यय निकल करके आया अरस्तु के द्वारा, इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे जो है 16वीं शताब्दी के अंत तक अस्वीकार की जाने लगी। मतलब इस मत को जो है लोग अस्वीकार करना शुरू कर दिए थे 16वीं शताब्दी के अंत तक। उसका रीजन क्या था कि मनोविज्ञान एक विषय के रूप में विज्ञान को परिभाषित करता था, लेकिन कुछ जो आलोचनात्मक टिप्पणियां जब इनके ऊपर शुरू होने लगी तो यहाँ से जो है एक चीज निकल करके आई और अन्य दर्शन शास्त्रियों ने जो है जो इनकी आलोचना शुरू की थी या शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो इनकी आलोचना 16वीं शताब्दी में हुई उसमें सबसे मूल कारण ये बन गया कि विज्ञान के लिए सबसे पहली अनिवार्यता क्या होगी कि जो है विज्ञान में या उसकी विषय वस्तु में वैधता होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, और जो है क्या होना चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, जो आत्मा के अध्ययन के अंतर्गत ये संभव न हो सका, क्योंकि आत्मा जो है एक अमूर्त चीज है जिसको हम और आप देख नहीं सकते। किसी भी मानव को यदि समझने का प्रयास किया जाए या उसके अंदर जानने का प्रयास किया जाए कि आत्मा जो है शरीर के किस अंग में रहती है, तो हमको लगता है कि हम सभी लोग जो है इस शो में फ्लॉप हो जाएंगे कि जो है आत्मा का निश्चित स्थान जो है मनुष्य या प्राणी के शरीर में कहाँ है। इसलिए जो है मूर्तता जो है विज्ञान का जो है प्रमुख लक्षण है, और हम जो है जिस विषय बिंदु पे जो है अपना विचार अरस्तु के द्वारा आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं, इसका जो अस्पष्ट मत था कि आत्मा क्या है, अमूर्त है, और इसी के आधार पे जो है ये धीरे धीरे जो है व्यवस्था इनकी या इनकी जो विचारधारा है छिड़ होने लगी या इसको जो है अस्वीकार किया जाने लगा। अब इसके बाद जो है अगला स्टेप आता है और अगला स्टेप मनोविज्ञान में आया, और मनोविज्ञान में एक नया विकास क्रम आया जिसको जो है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा के विज्ञान के बाद एक दूसरा स्टेप जो है मनोविज्ञान के विकास क्रम में आया, और इसके जो प्रणेता माने जाते हैं ये जो है प्रणेता माने गए, इनका नाम था पोम्पो लाजी। और ये कहाँ के थे, इटली के, और इनका समर्थन जिन लोगों ने किया था
इसमें नाम आता है जॉन लॉक का, दूसरा नाम आता है रिचेरी का, और तीसरा नाम आता है थॉमस रीड का। इन्होंने बताया, लेकिन पोम्पोलॉजी के बारे में एक विशेषता और आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करिएगा कि मनोविज्ञान का शाब्दिक आधार पर जो प्रथम वर्गीकरण किया गया था गैरिट के द्वारा किया गया था, लेकिन मनोविज्ञान का जो दूसरा वर्गीकरण है, अगर आपसे पूछे तो मनोविज्ञान का दूसरा वर्गीकरण शाब्दिक आधार पर जो किया गया वो जो है पोम्पोलॉजी के द्वारा किया गया, और पोम्पोलॉजी ने जो है इसको अपने तरीके से जो है वर्गीकृत किया, और मनोविज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत करने का कार्य इन्होंने किया। एक था क्या, साइकी, और दूसरा क्या था, लोगस। अब यहां साइकी को, और एक था क्या, लोगस। देखिए इसी चीज को वर्गीकृत गैरिट ने भी किया था, लेकिन थोड़ा सा जब स्टेप बदला तो वर्गीकरण का आधार भी जो है बदल गया। गैरिट ने जो है इसी चीज को क्या बताया था कि जो है साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लेकिन पोम्पोलॉजी ने क्या बताया कि साइकी का अर्थ क्या होता है, मन या मस्तिष्क, और लोगस का अर्थ क्या बताया इन्होंने, अध्ययन। इसके आधार पर यदि वर्गीकरण कर, शाब्दिक वर्गीकरण के आधार पर यदि व्याख्या की जाए, तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जो है हम मानव के मन या मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, ऐसे विज्ञान को जो है पोम्पोलॉजी ने क्या बताया, मनोविज्ञान। और पोम्पोलॉजी ने जो है मन और मस्तिष्क को परिभाषित करने के लिए, जैसे गैरिट और अरस्तु ने ये बात बताई कि जो है जितनी भी हमारी इंद्रियां पांच पाई जाती हैं शरीर के अंतर्गत, वो सभी जो है प्रथम कॉन्सेप्ट को जो है इंद्रियों के द्वारा जो है आत्मा तक पहुंचाती हैं, उसी चीज को जो है पोम्पोलॉजी ने क्या बताया कि जो हम इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान को अर्जित करते हैं या जो प्रथम कॉन्सेप्ट अपने अंदर लाते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है कहाँ लेकर के जाती हैं, मन या मस्तिष्क तक लेकर के जाती हैं। इसीलिए इन्होंने बताया कि जो है मनोविज्ञान जो है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, और इंद्रियां होती कितनी हैं आपको बताया गया, कितनी, पांच होती हैं। और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये जितनी भी इंद्रियां होती हैं, अगर किसी भी विषय बिंदु पर यदि कोई भी चीज व्यू के आधार पर जो है इम्प्रेस होकर के अर्जित करती हैं, तो ये सबसे पहले जो है इसको कहाँ ले जा करके पहुँचाती हैं, मन या मस्तिष्क। और मन एवं मस्तिष्क तक पहुँचने के बाद ही जो है व्यक्ति जो है अपने कार्यों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। उसी तरह से जो है थॉमस रीड, जॉन लॉक और रिचेरी ने भी मन और मस्तिष्क के विज्ञान का जो है समर्थन किया कि नहीं, जो है जितने भी इंद्री ज्ञान हैं सबसे पहले जो है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, और किसी भी विषय बिंदु पे जो प्रथम ज्ञान होता है वो प्रथम ज्ञान जो है प्राप्त करने के बाद इंद्रियां जो है उसको मन या मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं, आधार पे जो है इसको मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। देखिए यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट आपका था, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में ही कार्य करते रहे, और जो है पोम्पोलॉजी चाहे जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड या पीछे जो आप लोगों ने अभी देखा है, ये सारे जो दार्शनिक थे एक दर्शन शास्त्र के विषय के अंतर्गत ही जो है मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास की, और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि नहीं, जो है आत्मा न होकर के मन और मस्तिष्क का विज्ञान। अगला स्टेप हम देखते हैं इसमें, देखिए
मनोविज्ञान का जो विकास का पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में जो है एक नाम आता है और एक नाम आया और उस नाम के अंतर्गत मनोविज्ञान को जो है चेतना का विज्ञान कहा गया और चेतना का विज्ञान जो है किसने कहा था, तो सबसे पहले जो है इसके प्रणेता किसको माना जाता है, विलियम वुंड को। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के। और इनका समर्थन या इनके जो समर्थक थे इसमें नाम किसका किसका आता है, तो विलियम वुंड के साथ एक नाम आता है विलियम जेम्स का और एक नाम आता है जेम्स सली का और एक नाम आता है वाइस का। देखिए विलियम वुंड ने जो है मनोविज्ञान को जो है ये बताया कि न ही मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है और न ही मनोविज्ञान जो है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो है मनोविज्ञान जो है चेतन अनुभूति का विज्ञान है या चेतना का विज्ञान है। और यही एक ऐसे महान शख्स थे जिन्होंने जो है मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापना की और उस विषय को जो है मनोविज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। और इनका सबसे प्रथम जो कार्य था उस कार्य या मन कि विलियम वुंड ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। देखिए स्थापना का जो स्थापना का वर्ष जो था वो वर्ष जो 1879 और कहाँ स्थापित किया था, तो एक नाम आता है जर्मनी का। और जर्मनी में जिस शहर में इन्होंने जो है इस मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी उस शहर का नाम था लिप्जिंग शहर। और इसी को बाद में जो है विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिल गया, विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और आज के डेट में जो है वर्तमान में ये विश्वविद्यालय जो है किसके नाम से जाना जाता है, कार्ल कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। देखिए इतनी चीज समझने का प्रयास करिएगा कि चेतना का विज्ञान का समर्थन या इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम वुंड। ये कहाँ के थे, जर्मनी के। इनका समर्थन किसने किया था, तो विलियम जेम्स ने किया था, जेम्स सली ने किया था और वाइस ने किया था। और सबसे
मुख्य और इम्पॉर्टेंट काम जो इनके द्वारा किया गया था मनोविज्ञान के क्षेत्र में, अब तक जो पीछे अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो है आत्मा का विज्ञान था, मन का विज्ञान था, तो मूर्तता और अमूर्तता के आधार पे जो है उसकी परिभाषाएं जो है अस्वीकार होने लगी। रीजन क्या था कि 16वीं शताब्दी तक आते आते अरस्तु की जो अवधारणा थी वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि मनोविज्ञान या किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले उसकी विषय वस्तु का वैध, प्रमाणित और वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है। जब तक उस विषय वस्तु को जो हम प्रयोगों के द्वारा सिद्ध नहीं करेंगे तब तक जो है किसी भी विषय को हम विज्ञान का दर्जा नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से जो है मन और मस्तिष्क के आधार पर जो पोम्पोलॉजी ने जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो भी चीज़ इसी के वजह से फ्लॉप हो गई। रीजन क्या था कि इन्होंने भी मूर्तता और अमूर्तता पे ही अपना कार्य किया और अमूर्त वस्तुओं के आधार पे या अमूर्त संप्रत्यय के आधार पे हम किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा नहीं दे सकते थे। इसलिए इनकी भी अवधारणा जो पोम्पोलॉजी की थी वो भी जो है 17वीं शताब्दी तक आते आते जो है वो फ्लॉप होने लगी या अस्वीकार की जाने लगी। तब जा करके एक विचारधारा आई हम लोगों के सामने और मनोविज्ञान को जो है एक नई दिशा मिलनी शुरू हुई, और उस नई दिशा में विलियम वुंड का योगदान सबसे ज़्यादा सराहनीय माना जाता है। और सराहनीय इसलिए माना जाता है कि इन्होंने जो है मनोविज्ञान की दिशा में सबसे प्रथम जो कार्य और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य था कि इसको एक विज्ञान के रास्ते पर ला करके खड़ा करने का यदि कोई कार्य किया था तो वो कार्य जो है विलियम वुंड के द्वारा किया गया। और इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान जगत में जो है प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया, और वो स्थापना वर्ष क्या था 1879, और स्थापना कहाँ की गई थी तो जर्मनी में की गई थी, और जर्मनी में एक शहर था लिप्जिंग शहर जो बाद में कन्वर्ट हुआ लिप्जिंग विश्वविद्यालय के नाम से, और वही विश्वविद्यालय आज के डेट में जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और जानने का प्रयास करिएगा कि जो है कार्ल मार्क्स ने जो है ये विलियम वुंड ने विलियम वुंड के योगदान से 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा कंडीशन इन्होंने क्या बताया और इनके बारे में जो चीज़ें बताई गई कि सबसे पहले जो है इन्होंने जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत जो प्रयोगशाला का निर्माण किया उस प्रयोगशाला में जो है चेतन अनुभूति के आधार पर जो है मानव या प्राणियों को समझने का प्रयास किया गया। तो यहाँ जो एक प्रश्न बनता है कि जो है चेतना क्या होती है, तो चेतना को जो है इन्होंने बताने का प्रयास किया मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप ही क्या कहा जाता है, चेतना। मानसिक स्थिति का जो आंतरिक रूप होता है उसी को विलियम वुंड ने क्या कहा, चेतना का। अगर इसको हम और समझने का प्रयास करें तो जो इंद्रियां होती हैं इन इंद्रियों के आधार पर जो 5 इंद्रियां होती हैं इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो हमारा प्रथम ज्ञान होता है
पांच इंद्रियां आँख कान नाक जीभ और त्वचा के द्वारा जो प्रथम ज्ञान अर्जित करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? संवेदना। और संवेदना को ही विलियम बूंट ने किसका नाम दिया था? चेतना का नाम दिया। और अगले कड़ी में जो चीज़ें हमको देखने के लिए मिली कि चेतना के आधार पर ही इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में जो है अध्ययन का कार्य किया, और अध्ययन का कार्य जो इनके प्रयोगशाला में होता था तो वो कैसे कैसे लोगों पे होता था, तो इन्होंने बताने का प्रयास किया कि इनके चेतन अनुभूति का जो प्रयोग था वो किनके ऊपर होता था। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीटेट और सीटेट में बन सकता है कि जो है विलियम वुंट ने जो प्रयोगशाला की स्थापना की थी तो उस पर जो है किस आधार पे जो है प्रयोग किया जाता था, तो प्रयोग किस आधार पे किया जाता था? चेतना के आधार पे। लेकिन किन किन लोगों के ऊपर किया जाता था तो उनको भी बताने का इन्होंने प्रयास किया कि जो है किशोर एवं किशोरियों के ऊपर चेतना के आधार पे जो अध्ययन का व्यू था इनका, या जो मुख्य विषय बिंदु था, तो किशोर और किशोरियों के ऊपर इन्होंने जो है अपना जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित किया था उस पे जो है इन्होंने किशोर और किशोरियों पर अध्ययन किया। अब ऑप्शन में ये दे सकता है हमारे और आपके टेट और सी टेट में कि जो है विलियम बूंट ने जो है अपने प्रयोगशाला में जो है किनके ऊपर प्रयोग किया, तो दे सकता है कि नवजात शिशु, बाल्यावस्था का बालक या बालिकाएं, या किशोर या किशोरी, या उपर्युक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो थाट है यही बताता है कि इन्होंने जो है अपने प्रयोगशाला में जो विषय बिंदु पर जो फोकस किया था उसका मुख्य आधार क्या था? किशोर और किशोरियाँ। रीजन क्या था कि सबसे ज़्यादा जो मानसिक डेवलपमेंट होता है या जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो जो है किशोरावस्था में ही होता है, और जब किशोरावस्था में मानसिक विकास जब अधिक होगा तो चेतनात्मक शक्ति जो है सबसे अधिक होगी, और इसी के आधार पे जो है इन्होंने किशोर और किशोरियों पे प्रयोग किया। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि जो है विलियम बूंट ने जो है प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी, तो 1879 में। किस शहर में जो है इन्होंने स्थापित किया था प्रयोगशाला को, तो जर्मनी में। किस शहर में किया था, तो लिप्जिंग शहर में। और आज के डेट में जो है किस विश्वविद्यालय के नाम से जो है वो विश्व प्रयोगशाला जाना जाता है, तो जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते इनकी भी आलोचना जो है शुरू होने लगी, या इनके भी विचार को जो है लोगों ने अस्वीकार कर दिया। और उसका रीजन क्या था कि चेतन अनुभूति केवल हमें यही बताता है कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप है, लेकिन एक व्यक्ति जो है केवल आंतरिक रूप से ही जीवित नहीं रहता है। उसका रीजन क्या है कि उसकी जो है आंतरिक चीज़ें भी होती हैं और साथ में एक व्यक्ति का बाह्य स्वरूप भी होता है। तो आंतरिक रूप और बाह्य स्वरूप के आधार पे इस मत को भी 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है अस्वीकार किया जाने लगा। लेकिन कुछ हद तक इनकी प्राथमिकताएं आने वाले समय में जो है बहुत काम आई, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित होने का कार्य किया, और एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने का कार्य किया, और यहाँ से मनोविज्ञान की दशा और दिशा दोनों धीरे धीरे क्या होने लगी, बदलने लगी। अगला पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा
और उस क्वेश्चन का जवाब भी हम आपको इसी माध्यम से देंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ दे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा? विलियम वुंड। ये दो चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा। पहला, मनोविज्ञान का जनक यदि आपसे पूछता है तो मनोविज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है? अरस्तु को। और ये निवासी कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? यूनान के। और जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंड को। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के। देखिए, इसके बाद एक अलग मनोविज्ञान में विकास का क्रम आया और उस मनोविज्ञान के क्रम में जो है एक नाम आता है व्यवहार का विज्ञान। अगला स्टेप अब तक पीछे आत्मा का विज्ञान, फिर उसके बाद आया मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद एक क्रम आया जिस क्रम का नाम था चेतना का विज्ञान, और अगला जो स्टेप आया मनोविज्ञान के विकास के क्रम का वो आया क्या? व्यवहार का विज्ञान। देखिए, व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत जो है एक नाम आता है सबसे पहले जेवी वाटसन का, जेवी वाटसन का। इन्हीं को जो है व्यवहार का विज्ञान का प्रणेता भी माना जाता है और इनका समर्थन जो किया गया था वो किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था? तो इसमें नाम आता है स्किनर का, नाम आता है क्लार्क एल हल का, फिर नाम आता है वुडवर्थ का। देखिए, ये जो नाम है और जो जेवी वाटसन का नाम है जॉन ब्रॉड वाटसन, ये नाम जो है एक मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ा नाम माना जा सकता है। और जो है एक नाम यहाँ से और देख लीजिएगा, पावलोव का। और जो है उसके बाद जो है वुडवर्थ का भी नाम आता है। सबसे पहले जो है इसको समझने का प्रयास करिएगा कि व्यवहारवाद की जो नींव रखी गई थी, व्यवहारवाद की नींव जेवी वाटसन के द्वारा, जेवी वाटसन के द्वारा 1912-13 में रखी गई थी। और जो है इनकी एक पुस्तक आई थी 1924 ईस्वी में व्यवहारवाद नामक पुस्तक इनके द्वारा प्रकाशित की गई। और जेवी वाटसन ने जो है
व्यवहारवाद की नींव 1912-13 में, और व्यवहारवाद की नींव जो रखी गई थी, इस व्यवहारवाद के नींव की स्थापना में विश्व के मनोवैज्ञानिकों में यदि सबसे अधिक किसी का नाम आता है तो वो नाम आता है किसका? अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का। इसमें सबसे अधिक जो है व्यवहार के विज्ञान में यदि किसी भी मनोवैज्ञानिकों का नाम यदि हमको और आपको देखने के लिए मिलेगा तो सबसे अधिक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जेबी वाटसन भी वहीं के थे, स्किनर, क्लार्क, इलहल, पावला, वुडवर्थ, ये सभी लोग जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के आधार पे ही ये माना गया कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में यदि व्यवहारवाद आया तो उसमें सबसे अधिक योगदान यदि किसी का माना जाता था तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का माना जाता। यहाँ से एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप लोग, इन्होंने जेबी वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किसने कहा था? जेबी वाटसन ने। एक चीज आप समझने का प्रयास यहां करेंगे कि जो है व्यवहार का विज्ञान इसी क्यों कहा गया और व्यवहार होता क्या है, तो इसको परिभाषित करने के लिए या इसको बताने के लिए वाटसन ने ये चीज बताने का प्रयास किया कि जो है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। ये जो है चीजें किसके द्वारा बताई गई? व्यवहारवादियों के द्वारा और वाटसन के द्वारा। एक चीज अभी इससे पीछे हम लोगों ने देखा कि चेतना का विज्ञान, जिसमें विलियम वुंड ने बताया कि मानसिक स्थिति का जो आंतरिक रूप होता है या इंद्रियों द्वारा जो प्रथम ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? चेतना या संवेदना। लेकिन यहाँ जो है परिभाषित करने का क्या प्रयास किया गया कि मानसिक स्थिति का जो बाह्य रूप होता है, जो हमको और आपको दिखाई देता है बाह्य रूप से, उसी को क्या कहा गया? व्यवहार। और यहीं से जो है मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। और यही विचारधारा जो है 20वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद और 20वीं शताब्दी में और आज की स्थिति में जो है परिभाषित की जा रही है कि नहीं, जो है मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ से एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि जो है व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम मैक डूगल के अनुसार, विलियम मैकडूगल के अनुसार किया गया था। और विलियम मैकडूगल ने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? आउट लाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इस पुस्तक में जो है इन्होंने व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
और यदि क्वेश्चन बन करके आता है कि मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो नाम आएगा किसका, विलियम मैक डूगल का नाम है। अगर व्यवहारवाद की बात पूछेगा तो व्यवहारवाद में जो है जेबी वाटसन का नाम आएगा। तो आज की जो क्लास थी, मिनी क्लास के रूप में पहला क्लास था, और यहाँ तक जो है हम लोग एक मनोविज्ञान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी कि किस किस चरण से जो है कहाँ कहाँ तक जो है हम लोग पहुँचे हैं, तो इस चरण को आप लोग जो है देखने का प्रयास करिए। अगर ये प्रयास हम लोगों का जो है आप लोगों के बीच में आपको यदि प्रेरित करने में सहयोग करता है, तो चैनल जो विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेज है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।